हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर सिद्धार्थ पाठक फ्रॉम शिवालिक एकेडमी। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो हमारी चार प्रॉपर्टीज होती है चार्जेस की, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरी एडिटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस एंड द लास्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो शुरू करते हैं हम पहली प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा पहला मतलब होता है क्वांटाइजेशन क्या चीज है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है हम किसी चीज की क्वांटिटी को काउंट कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। लाइक किसी भी बॉडी के अंदर कितना चार्ज है उसकी क्वांटिटी कैसे काउंट करें, तो दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अनदर एग्जांपल, अगर हम जिस रूम में हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैं इस रूम में चेयर्स काउंट करना चाहूं, अगर मैं चेयर्स सारी काउंट कर पा रहा हूं तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चेयर्स। सो व्हाट अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको समझते हैं। यहां पर थोड़ा देखिए आप, लाइक हमारे पास एक बॉडी है और उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है e, तो बड़ा आप बताइए पूरी बॉडी का चार्ज क्या होगा। सिंपली 6 × e कर देंगे तो दैट विल बी चार्ज ऑन द कंप्लीट बॉडी। अब आपने पहले पढ़ा हुआ चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अब आप खुद सोचिए, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो आप यहां पर क्या चेंज करेंगे, इट विल बिकम एन ई। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल, मींस इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पूरी बॉडी का चार्ज मिल जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला और ये हो गया हमारी स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन मन में आ रहा है कि हम क्यों गिन पा रहे हैं। आप सोच रहे हो ये क्या क्वेश्चन हुआ, इसके पीछे भी एक बड़ा कॉज है। देखिए कैसे, जब हमने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था, जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है। तो आपने नोटिस किया एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट जाता है, कभी भी एक इलेक्ट्रॉन हाफ 1/3 1/4 करके ट्रांसफर नहीं होता। तो इससे हम कैसे काउंट कर पा रहे हैं, इसको छोड़ के पहले एग्जांपल लीजिए। अगर मैं इस रूम से चेयर्स को दूसरे रूम में ट्रांसफर करता हूं और हर एक चेयर को उठा के कंप्लीट लेके जाता हूं, तो आप आराम से गिन सकते हैं कि सर एक चेयर लेके, दो चेयर लेके, तीन चेयर लेके। बट अगर मैं चेयर को कुछ ऐसा करूं, इसका हाथ तोड़ के ले जाऊं, एक का पैर ले जाऊं, एक की साइड ले जाऊं, तो बड़ा हम कभी नहीं गिन ही नहीं पाएंगे कितनी चेयर इस रूम से उस रूम में ट्रांसफर हुई। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जा रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी से, तभी हम उसे गिन पा रहे हैं, आधे दूर में हम उनको गिन नहीं पाएंगे। अब व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्या सीखने को क्या मिला इस प्रॉपर्टी से। बेटा इससे एक चीज सिंपल सीखने को मिली कि जब भी किसी बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज होगा ना, वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वर्ड का मतलब होता है पैकेट्स की फॉर्म में होगा। अब इसको समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इस रूम में पानी भर दो तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। अगर इस पूरे रूम में हम पानी की जगह उसी पानी को बॉटल्स में भर भर के रख दें, तो हर एक बॉटल अपने आप में क्या बन जाएगी, एक पैकेट बन जाएगी, तो वो डिस्क्रीट फॉर्म हो जाएगी। टेक अनदर एग्जाम्पल, इस पूरे रूम में अगर हम गेहूं भर दें तो दैट इज कॉन्टिन्यूस फॉर्म। उसी पूरी गेहूं को बोरियों में भर भर के रख दें तो दैट विल बिकम डिस्क्रीट फॉर्म। तो हमारे चार्ज में डिस्क्रीट कौन है पैकेट, आपके सामने है एक इलेक्ट्रॉन है पैकेट, इलेक्ट्रॉन इज अ कंप्लीट पैकेट। तो इससे हमें क्या पता चला, चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी इज इन डिस्क्रीट फॉर्म बट नॉट इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। तो तीनों चीजें पढ़ी हमने, आगे और वीडियोस में हम इनके ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर वन लाइनर डिस्कस करेंगे, तो आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा, आप इनको याद रखिएगा प्लीज। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, एडिटिव मींस दो या दो से ज्यादा चार्जेस को आप सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। व्हाई एल्जेब्रिकली, बिकॉज हमने पहले वाले वीडियोस में सीखा था कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और आपको बड़ा पता ही है स्केलर्स कैसे ऐड होते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। तो अब जरा इसमें एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल, अगर एक बॉडी पे चार्ज है 2 कूलम, दूसरी पे है -3 कूलम, तो अगर दोनों को मिला के एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए तो टोटल का चार्ज कितना होगा, -1 कूलम। सिंपल क्वेश्चन। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 2,
एक बॉडी पे टू कूलम प्लस का है और एक पे माइनस का है। आप बताइए बेटा ऐड करने पे क्या होगा, हो गया जीरो। और जीरो कूलम किसे कहते हैं हम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडीज को हम जीरो कूलम कहते हैं। आपको बताना चाहूंगा इस सेकंड एग्जांपल से हमें सिग्निफिकेंस पता चल गया अपनी इस प्रॉपर्टी का। क्या सिग्निफिकेंस पता चला, कि जो भी इस पूरी दुनिया में बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो इस प्रॉपर्टी की वजह से। क्यों, उस पर जितना प्लस का चार्ज होगा उतना ही क्या होगा माइनस का चार्ज हो। तो अब हम अब थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस, ये भी बहुत आसान प्रॉपर्टी है। इसमें क्या करते हैं, चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस मार्कर पे फॉर एग्जाम्पल 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसे अगर मैं ऐसा करके फेंक दूं तो जब ये मोशन में होगा तब भी इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 1 माइक्रोकूलम ही होगा। तो चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन, तो चार्ज अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो ये तो हो गया हमारा इनवेरियंस। अच्छा वेरियंस का मतलब क्या होता है, वेरी करना, चेंज करना। इनवेरियंस का मतलब चेंज नहीं करना, तभी चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इन मोशन। अब एक अलग सी बात करने जा रहे हैं हम, स्टडी कर रहे हैं चार्ज। अब अचानक से मैं मासेस की बात करने लग जाऊंगा। पहले मन में क्वेश्चन आता है ये मासेस कहां से आ रहे हैं मुझे। देखो ध्यान से समझो, जो एक मास का रोल था ग्रेविटेशन चैप्टर में, सेम टू सेम चार्ज का रोल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इस बात को मैं अगली वीडियो में कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं आपको बस बता रहा हूं दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं। द रोल विच मास प्लेज इन ग्रेविटेशन सेम एज चार्ज प्लेज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये फॉर्मूला देखिए, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक फॉर्मूला है हमारा। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअल में हम कॉलेज लेवल पे डिटेल में जाते हैं, अभी बस आपको मैं ये फॉर्मूले के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रहा हूं। एम होता है यहां पर डायनामिक मास, एम नॉट होता है रेस्ट मास मतलब रुका हुआ मास और ये चलता हुआ मास। ये वी है जो बॉडी को स्टडी कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी। व्हाट अबाउट सी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा अब जरा ना मैथमेटिकली सोचना है इस बात को। हमें पता है जो भी बॉडी चलेगी वो स्पीड ऑफ लाइट से धीरे होगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब आप बताइए छोटी चीज अपॉन में बड़ी चीज, ये पूरा फैक्टर जो आएगा ये क्या आएगा, छोटा आएगा। जब ये छोटा आएगा तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू बचेगी, जब एम नॉट उस फ्रैक्शन से डिवाइड होगा तो एम बनेगा। तो किसी भी हाल में m और m नॉट आपस में बराबर नहीं होंगे। तो मास एट रेस्ट इज नॉट इक्वल टू मास इन मोशन, दैट इज डायनेमिक मास। तो चार्ज और मास की प्रॉपर्टी में यहां डिफरेंस आता है, ऑल टुगेदर दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। ऐसे ही ये प्रॉपर्टी के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, देखो बड़ा कंजर्वेशन के लॉज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पे चार्ज का कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसी तरीके से आप, मैंने एक छोटा सा रिएक्शन लिखा है आप लोगों के सामने, आपको लग रहा होगा ये कैसा रिएक्शन है, ये यूरेनियम है, ये थोरियम है, ये हीलियम है। आपको लग रहा होगा रिएक्टेंट में यूरेनियम है, उधर तो यूरेनियम रहा ही नहीं। तो बेटा जो आपने आज तक रिएक्शन पढ़े वो केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, मैंने आज आपके सामने एग्जांपल लिखा है न्यूक्लियर रिएक्शन का। और न्यूक्लियर रिएक्शन हमारी सेकंड बुक का एक चैप्टर है न्यूक्लाई, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। तो फिलहाल अभी आप यहां पे देखिए, ये क्या है, यूरेनियम का चार्ज, थोरियम का चार्ज, एंड दिस इज चार्ज नंबर ऑफ हीलियम। आप बताइए 90+2 गिव्स 92, मींस चार्ज बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर द रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज इज कंजर्व, सिंपल। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। अब लास्ट में हमारे मन में आ रहा होगा मास को भी एक बार चेक करके देखें। तो बड़ा आपको यहां पे क्या दिख रहा है, 4+234 तो क्या होता है 238, तो मास भी कंजर्व लग रहा है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों, ये जो 234 लिखा हुआ है एक्चुअल में ये होल नंबर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए करके लिखते हैं, बट ये होता क्या है, पॉइंट्स में होता है। लाइक ये 234 नहीं होगा, 233.999 समथिंग होगा, ऐसे ये 4 जो होगा 3. समथिंग होगा, ये भी ऐसे होगा। अब आप बताइए जब ये फ्रैक्शंस में है मतलब डेसिमल्स में है, तो अब जब आप इनको ऐड करेंगे और इसको देखेंगे ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे।
तो इनके मासेस के सम में और इसमें डिफरेंस आएगा कुछ मास का, उसको कहेंगे हम डेल्टा एम। जब हम उसको सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काफी फेमस फॉर्मूला आपके सामने आएगा जो आइंस्टाइन देके गए हमें, दैट इज ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए क्या मास कंजर्व हो रहा है, आंसर है नो। बचपन से हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी एनर्जी की फॉर्म में चेंज होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास मास की ही फॉर्म में चेंज होगा। बट बेटा यहां पे तो इस फॉर्मूले से हमें पता चला मास मास में नहीं, मास किस में चेंज हो रहा है, एनर्जी में। यहां पर आके पता चलता है मास कंजर्व नहीं हो रहा, मास और एनर्जी दोनों अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, दे आर सेम। तो चार्ज कैन बी कंजर्व बट मास कैन नॉट बी कंजर्व। सो ये हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अ फॉर्मूला गिवन फॉर फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस। थैंक यू, गुड बाय, टिल देन।